तो इसी के साथ बजट भाषण भी समाप्त हुआ और बजट को ध्वनिमत से पास भी किया गया। कई बड़ी बातें इस लंबे बजट भाषण में वित्त मंत्री ने रखी हैं। 11 बजे उनका भाषण शुरू हुआ था और तकरीबन 1.5 घंटे का उनका यह भाषण रहा है। लगभग 90 मिनट के आसपास बात रखी है निर्मला सीतारमण ने सदन के सामने। टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। 2 साल तक पुराने आईटी रिटर्न सुधारे जा सकेंगे। आईटीआर गलती में सुधार की सुविधा दी जाएगी। दिव्यांगों को टैक्स में छूट मिलेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 15% टैक्स देना होगा। तो ये कुछ बड़ी जानकारियां इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस बजट में क्या क्या है, क्या क्या बड़ी बातें कही हैं निर्मला सीतारमण ने, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी ये एक बड़ा विषय था। इस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। इससे अगर आप कमाई करेंगे तो, अगर आपको घाटा हुआ तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये भी फैसला सरकार ने लिया है। ये किस तरह से होगा, इस पर और क्लैरिटी कुछ देर के बाद आएगी। वर्चुअल करेंसी पर 1% TDS लगेगा। डिजिटल करेंसी RBI लॉन्च करेगी। ये एक बड़ी जानकारी है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बहुत से लोग निवेश कर रहे हैं। उसको लेकर बड़ा फैसला यह हुआ है कि 30% टैक्स देना होगा क्रिप्टो करेंसी से जो कमाई आप करेंगे उस पर। घाटा हुआ तब भी टैक्स लगेगा। यह भी जानकारी वित्त मंत्री ने सदन के सामने रखी है। तो ये कुछ बड़ी बातें जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन के सामने रखी बजट भाषण के दौरान, वो हम आपको बता रहे हैं। MSME सेक्टर के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम का दायरा बढ़ा।